हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्टोग्राफ ग्राफिकल रिकॉर्ड के बारे में। एक्चुअली पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्टोग्राफ की थ्योरी होती है वो क्या है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पार्टोग्राफ पार्ट सेकेंड के बारे में, जिसमें हम जो पार्टोग्राफ का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है उसको फील करना सीखेंगे। क्योंकि कोई भी अगर मेडिकल स्टूडेंट है या फिर मेडिकल स्टाफ है तो उसको अधिकतर पार्टोग्राफ फील करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर पार्टोग्राफ है उसको फील कैसे करें। तो आज इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप जो पार्टोग्राफ है उसको इजीली फील कर पाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनको भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्टोग्राफ पार्ट सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पार्टोग्राफ का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है उसमें मेनली हमने आपको बताया था कि 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फीटल कंडीशन होती है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर होता है एंड मैटरनल कंडीशन होती है। तो मेनली यही 3 कंपोनेंट होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, फीटल कंडीशन के बारे में। चूंकि एट टॉप से हमेशा हम पार्टोग्राफ को फील करना शुरू करते हैं, तो एट टॉप पे फीटल कंडीशन को ही भरा जाता है। लेकिन उसके पहले जो फीमेल है उसकी हिस्ट्री हमको भरनी रहती है। हिस्ट्री कैसे भरेंगे? सपोज दैट कि ये पेशेंट है, उसका ये नेम है, यहाँ पे हमको उसका नेम फील करना है। आफ्टर देन ग्रेविडा, कि कौन सा ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है या फिर प्राइमरी ग्रेविडा है। साथ ही उसके साथ हॉस्पिटल, कि जिस हॉस्पिटल में उसका एडमिशन हो रहा है उसका नाम, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट पे उसका एडमिशन हो रहा है फीमेल का, यहाँ पे पैरा, देखिए यहाँ पे ग्रेविडा दिया हुआ है, यहाँ पे पैरा दिया हुआ है। ग्रेविडा का मतलब होता है कि जो आपका यूट्रस है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ है, और पैरा का मतलब होता है प्रायरिटी, मतलब या फिर लाइफ, जितने भी आपके बेबी हैं उनको हम पैरा में रखते हैं। तो अगर ग्रेविडा और पैरा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है GTPAL करके, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जो एडमिशन हुआ है वो कितने बजे हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है। अगर मान लीजिए कि 7 AM हुआ है तो हम 7 AM डाल देंगे, अगर मान लीजिए 8 AM हुआ है तो 8 AM डाल देंगे, या फिर PM हुआ है तो PM डाल देंगे। तो ऐसे हम इसको पहले हिस्ट्री को फिल कर लेते हैं। उसके बाद जो एट टॉप पे रहता है जिसको कहते हैं फीटल कंडीशन, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फीटल हार्ट रेट, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फीटल हार्ट रेट, ये मेजरिंग पॉइंट है। ये जो ग्राफिकल चार्ट आप देख रहे हैं ये फीटल हार्ट रेट के लिए है। इसको हम फील कैसे करते हैं? जैसे ही देखिए पेशेंट का एडमिशन हुआ, उसके बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ऑर्डर देता है कि इसका फीटल हार्ट रेट देखना है बेबी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है उसमें यहाँ पे इधर लिखा रहता है फीटल हार्ट रेट बीट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 100 बीट्स, 100 बीट्स से स्टार्ट हुआ है और 180 बीट्स तक दिखाया गया है। और यहाँ पे हम लिखते हैं आवर। अगर मान लीजिए कि जीरो, यहाँ पे जीरो हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्टार्टिंग जीरो से ही है। सपोज दैट कि जो पेशेंट है उसका एडमिशन 7 AM पे हुआ है, मतलब 7 बजे सुबह हुआ है, तो अगर उसका हम फीटल हार्ट रेट यहाँ पे लेते हैं तो कितने बजे लेंगे? मान लीजिए 8 बजे लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 AM, ये हमारा टाइमिंग हो गया। अब यहाँ पे जब फीटल हार्ट हम ले रहे थे तो बेबी का फीटल हार्ट रेट कितना था? अगर मान लीजिए 120 है या 130 है या 140 है या फिर 140-130 के बीच में है, जहाँ पे भी है, ये हमने 8 AM पे यहाँ पे लिया हुआ है फीटल हार्ट रेट, तो इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। साथ ही अगर मान लीजिए 130 है तो 130 पे ऐसे हम पॉइंट कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद अगर 2 घंटे बाद हम फिर से फीटल हार्ट लेते हैं तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए ये 8 घंटे का हो गया, ये एवरी 1 आवर का इसमें गैप रहता है, यहाँ 8 आवर, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये आवर लिखे हुए होते हैं। तो मान लीजिए हम फिर 10 बजे लेते हैं, 8 बजे हमने लिया तो जो हार्ट बीट थी वो 130 बीट प्रति मिनट थी, लेकिन जब 10 बजे हमने लिया तो हार्ट बीट जो है वो 140 थी, तो हम इसको 10 बजे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 10 AM, और ये जो फीटल हार्ट रेट है इसको 140 की जगह पे ऐसे मार्क कर देंगे और फिर इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। तो इससे हमको इजली ये पता चल गया कि अच्छा, जब एडमिशन हुआ था उस समय जो बेबी का हार्ट रेट था वो 130 था, लेकिन अभी 10 बजे बेबी का हार्ट रेट 140 हो गया है, मतलब बेबी बिल्कुल सही है। सपोज दैट मान लीजिए कि 11 बजे या 12 बजे फिर हम फीटल हार्ट लेते हैं, अगर उस समय फीटल हार्ट रेट 120 आ गई तो इसके लिए क्या करेंगे? ये एरो हम ऐसे लगा देंगे।
अब इससे जो भी बर्थ अटेंडेंट्स रहेंगे या फिर डॉक्टर रहेंगे तो पार्टोग्राफ के थ्रू वो इजिली देख लेंगे कि अच्छा जो फीटल हर्ट रेट है या फीटस है उसकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि फीटस की कंडीशन FHR के थ्रू ही मेजर की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो 10 बजे तक तो फीटस की हर्ट रेट ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन यहाँ पे आ रही है। तो इससे जो भी डॉक्टर्स होंगे वो पार्टोग्राफ के थ्रू असिस कर लेंगे कि जो डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है, जो बेबी की कंडीशन है वो कैसी है, और इसके अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिकर। तो ऐसे ये सारा जो फीटल हर्ट रेट है इसको हम मेजर करके लिखते हैं। नेक्स्ट है लिकर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लिकर। ऐसे ऐसे दो नीचे भी ग्राफ बने होते हैं जिसमें फर्स्ट ये ऊपर लिखा होता है यहाँ पे होता है लिकर के बारे में, और जो नीचे दिया इसमें लिखा रहता है मोल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमको लिकर के लिए लिखना है और यहाँ पे मोल्डिंग के लिए लिखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि लिकर के जो की पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। सपोज कि अगर जो लिकर है वो बिल्कुल क्लियर है तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि लिकर मिकोनियम है, मतलब मिकोनियम स्टैंड लिकर है, तो एम लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि ब्लडी लिकर है तो बी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम जो की पॉइंट है लिकर के उसी को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक कोड लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम ये लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर लिकर क्लियर है तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। अब लीकर का पता हम कैसे करेंगे, जब भी हम वजारियन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसी से हम पता करते हैं कि जो लीकर है वो कैसा आ रहा है। इसके साथ ही मोल्डिंग, मोल्डिंग को भी हम जब वजारियन एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल का तभी पता कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे मोल्डिंग दिया हुआ है, मोल्डिंग को यहाँ पे हम कैसे फील करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब बेबी का हेड डिसेंट होता है तो उसके बाद जैसे ही वो ईस्चियल स्पाइन तक पहुँचता है तो वहाँ पर जो ईस्चियल स्पाइन होती है, मान लीजिए कि अगर ये पेल्विक है तो ये मान लीजिए ये ईस्चियल स्पाइन है, यहाँ पे अगर बेबी का हेड डिसेंट होके आता है तो ये जो एरिया है इसी को हम स्टेशन बोलते हैं, मतलब जो ईस्चियल स्पाइन है इसी को स्टेशन बोला जाता है, और इसको हम जीरो से इंडिकेट करते हैं, इसको हम जीरो मानते हैं। तो जब भी बेबी ईस्चियल स्पाइन से ऊपर होगा तो इसको हम -1, -2, -3, -4 में काउंट करेंगे, और जब बेबी नीचे आएगा तो उसको हम +1, +2 में मेजर करेंगे। तो बेबी जैसे ही स्टेशन पर आता है, ईस्चियल स्पाइन के पास आता है, तो यहीं पर मोल्डिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। मोल्डिंग का मतलब होता है कि जो भी स्विचर्स हैं और बोन हैं उनकी ओवरलैपिंग होना, उसी को बोला जाता है मोल्डिंग। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो पार्ट फर्स्ट में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मोल्डिंग में मेनली हम यही लिखते हैं, अगर बेबी का हेड डिसेंट होके स्टेशन तक पहुँच गया है तो हम यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये जीरो हमारा स्टेशन हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं अगर +1 है तो +1, +2 है तो +2, मतलब वजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद जैसी भी हमको रिपोर्ट मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे +1, +2 या फिर -1, -2 करेंगे। वजाइनल एग्जामिनेशन एवरी 4 आवर में किया जाता है, तो एवरी 4 आवर में जो भी हमको रिपोर्ट मिलती जाएगी उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग पैटर्न था लेबर का, चूँकि अभी पेशेंट मान लीजिए आई हुई है, तो यहाँ पे हमने इसका फीटल हर्ट रेट लिया 130 हमको मिला, ये तो हमने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। तो मान लीजिए 130 मिला, साथ ही जो इसका लिकर है बिल्कुल क्लियर था। मोल्डिंग की बात करें तो मान लीजिए अभी हेड डिसेंट नहीं हुआ है, हमने वजाइनल एग्जामिनेशन किया जिससे जो ईस्चियल स्पाइन है वहाँ पर अभी बेबी का हेड नहीं आया है, अभी बेबी का हेड 1 या 2 फिंगर एबव है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे -2। तो ये जो वजाइनल एग्जामिनेशन है ये हमने मान लीजिए 8 AM पे किया, चूँकि 8 AM पे यहाँ पे हम फीटल हर्ट रेट ले रहे हैं तो 8 AM पे हमने किया। अब 4 आवर के बाद वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब 12 AM। तो 12 AM में मान लीजिए हमने देखा कि +2 है या फिर +1 है, जो भी वजाइनल एग्जामिनेशन में हमको रिपोर्ट मिलेगी वही हम यहाँ पे लिखेंगे। कि जब भी पार्टोग्राफ भरा जाता है तो जो भी बर्थ अटेंडेंस है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्टोग्राफ हमेशा लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ही भरें, मतलब फर्स्ट स्टेज लेबर का जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद आप पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले पार्टोग्राफ नहीं भरना चाहिए। पार्टोग्राफ हमको सिर्फ इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि जो लेबर का प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। अगर फीमेल
हमको किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर है पहले से, तो इस बात की कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। पार्टोग्राफ के थ्रू हम सिर्फ लेबर के प्रोसेस को असेस करते हैं। पार्टोग्राफ के कंपोनेंट हैं उनको बहुत ही केयरफुली भरा जाए, कोई भी इसमें संभावित या फिर अपने मन से कोई भी रिकॉर्ड फिल नहीं करना चाहिए पार्टोग्राफ में, क्योंकि पार्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिसमें हर फैक्ट, जो भी फैक्ट होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट भरा जाता है। तो इस बात का बर्थ अटेंडेंट्स को पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड कंपोनेंट देखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसको कैसे फील करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो है सेकंड, जिसको कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर। देखिए, फर्स्ट हमने देखा फीटल कंडीशन। फीटल कंडीशन में हमने देखा फीटल हार्ट रेट, लीकर और मोल्डिंग। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ लेबर। लेबर का जो प्रोसेस होता है उसको मेनली यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सब सर्विक्स के डायल्टेशन को इंडिकेट करते हैं। मतलब 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट, ये सभी सर्विक्स के डायल्टेशन को इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आवर में टाइमिंग लिखी हुई है। जो लेबर प्रोसेस का टाइमिंग होता है वो 12 से लेकर 24 आवर तक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ 12 तक ही लिखा हुआ है। तो 12 to 24 मतलब 12 से लेकर 24 घंटे तक का जो पार्टोग्राफ का ये चार्ट होता है, इसको हम तैयार करते हैं। और नीचे ये लिखा हुआ है टाइमिंग। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे वो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे टाइमिंग डालते जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विक्स का डायल्टेशन है इसको हम एक्स से डिनोमिनेट करेंगे, और जो डिसेंट ऑफ हेड है इसको 0 से डिनोमिनेट करेंगे। जो भी पार्टोग्राफ का ग्राफिकल रिकॉर्ड भरने का मेथड है उसमें हम इन्हीं दो साइन का यूज करेंगे जब हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर भरेंगे उस समय। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैटेंट फेज। ये लैटेंट फेज होता है, ये एक्टिव फेज होता है। और यहाँ पे दो लाइन होती हैं, जिसको फर्स्ट जो लाइन है उसको बोलते हैं अलर्ट लाइन एंड सेकंड को बोलते हैं एक्शन लाइन। ये यहाँ पे क्यों दी गई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लैटेंट फेज हमेशा देखिए 0 से लेकर 8 आवर तक का होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसका जो लेबर प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज होता है, मतलब सर्वाइकल डायल्टेशन और इफेसमेंट जो फर्स्ट फेज होता है लेबर का, उसमें अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 8 to 10 आवर होता है, अगर मल्टी ग्रेविडा है तो 6 to 8 आवर होता है। इसीलिए जो लेटेंट फेज है इसको 8 आवर रखा गया है। अब हम देखते हैं कि जो सर्विक्स का डायल्टेशन है उसको हम लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आवर, तो सपोज दैट जब उसका एडमिशन हो जाएगा उसके आने के बाद हम उसका वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। जब वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जिस टाइम हम करने जा रहे हैं उसी समय का हम टाइम यहाँ पे डालेंगे। सपोज दैट कि अगर वो 7 बजे आई है और 8 बजे हमने उसका वजाइनल एग्जामिनेशन किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 AM और ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर उस समय सर्विक्स का डायल्टेशन 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम सर्विक्स के डायल्टेशन का जो ये डिनोमिनेटर है, मार्क्स है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अच्छा जब 8 बज रहे थे तो उस समय सर्विक्स का डायल्टेशन 2 सेंटीमीटर था। अब बात करते हैं हेड डिसेंट की। हेड डिसेंट मान लीजिए उस समय अभी स्टेशन पे नहीं पहुंचा है तो वहाँ पे हम लिखेंगे 5, माने अगर जो हेड है उसका अभी डिसेंट, हेड डिसेंट नहीं हुआ है तो उसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। चूँकि हमने पढ़ा है कि स्टेशन से पहले हम माइनस करते हैं और स्टेशन के बाद हम प्लस करते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायल्टेशन है तो अभी हेड तो डिसेंट हुआ नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्क्स कर देंगे 5 पे, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो अगर इस पार्टोग्राफ को कोई भी बर्थ अटेंडेंस देखता है या फिर डॉक्टर देखेंगे तो वो इजीली समझ जाएंगे कि अभी लेबर प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें बहुत टाइम है। मान लीजिए इसके बाद 8 आवर पे हमने किया, 4 घंटे बाद हम फिर से वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। हमने 8 बजे किया और दूसरी बार फिर हम वजाइनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं 12 बजे। तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, मतलब 4 घंटे बाद हम कर रहे हैं, तो 8 और 4, 12, तो 12 PM पे हम करेंगे। अगर उस समय सर्विक्स का डायल्टेशन मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गया है तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे, और प्लस 4 हो गया है तो यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है, ये 4 है तो आप यहाँ पे इजली लगा सकते हैं, ये साइन हो गया। तो इससे अब हमको पता चल गया कि अच्छा जो लेबर का प्रोसेस है वो अच्छा चल रहा है, मींस 4 सेंटीमीटर सर्विस का डायल्टेशन हो गया और जो हेड है वो भी डिसेंट हो रहा है। अगले 4 घंटे बाद हम करेंगे तो यहाँ से फिर काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ करेंगे मतलब 4 PM,
4 PM पे अगर लेबर का प्रोसेस अलर्ट लाइन के पास पहुंच जा रहा है, मतलब कि जो लेबर है वो नॉर्मली हो जाएगा। देखिए जो अलर्ट लाइन है वो इसी बात को इंडिकेट करती है कि जो लेबर का प्रोसेस है वो नॉर्मल होगा या फिर एबनॉर्मल होगा। अब इसको कैसे जानेंगे, जो अलर्ट लाइन है अगर जब भी हम सर्विक्स का डायलेटेशन इंडिकेट करते हैं, अगर सर्विक्स का डायलेटेशन 8 आवर के बाद, ये राइट है और ये लेफ्ट है, समझने के लिए बता दे रहे हैं। तो जब भी हम वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, अगर 8 आवर के बाद जो अलर्ट लाइन है इससे जो सर्विक्स का डायलेटेशन है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो लेबर का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है और लेबर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर सर्विक्स का डायलेटेशन का जो साइन है अभी वो राइट साइड ही है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 बजे किया था और सर्विक्स का डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर था, फिर हम मान लीजिए कि करते हैं 4 घंटे बाद, तो फिर सर्विक्स का जो डायलेटेशन है वो 5 सेंटीमीटर पे ही रुका हुआ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ही सर्विस का डायलेटेशन हुआ है, तो इस बात तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेबर है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेबर प्रोसेस स्लो है। तो अलर्ट लाइन बस यही इंडिकेट करती है कि जो लेबर का प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। अगर सर्विस का डायलेटेशन वाला जो साइन है वो 8 आवर के बाद अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब कि लेबर प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अलर्ट लाइन के राइट साइड है सर्विस के डायलेटेशन का साइन, इसका मतलब कि जो लेबर प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है। उसके साथ ही ये एक्शन लाइन है, एक्शन लाइन में भी क्या होता है कि अगर सर्विस का डायलेटेशन वाला जो साइन है वो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीचों बीच है 8 आवर के बिटवीन, तो इस बात का ये साइन है कि जो लेबर का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर सर्विक्स का डायलेटेशन वाला जो साइन है वो एक्शन लाइन को क्रॉस कर देता है 12 आवर के बाद, तो इसका मतलब होता है कि जो लेबर होता है उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है या फिर जो पेशेंट है उसको अब रिफ़र कर देना चाहिए, मतलब कि अब सिर्फ सिजेरियन सेक्शन ही फीमेल का हो सकता है, अदरवाइज उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है। तो जो ये अलर्ट लाइन है और ये एक्शन लाइन है, ये दोनों हमको यही इंफॉर्मेशन देती हैं कि जो लेबर का प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है, मतलब डिले है और प्रोलॉन्ग है या फिर नॉर्मल है। देखिए जो सेकंड कंपोनेंट है प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसमें एक ग्राफ और रहता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सेकंड कंपोनेंट होता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर वाला, उसमें हम मेनली देखते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ फीटल हेड और उसके साथ साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके पहले वाले ग्राफ में तो हमने पढ़ लिया कि उसमें सर्वाइकल डायलेटेशन कैसे इंडिकेट करते हैं और जो डिसेंट ऑफ फीटल हेड होता है उसको कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बचा था, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको हम इस ग्राफ में, वहाँ पर जगह नहीं थी तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट, मतलब पर 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं इसको हमको यहाँ पे इस ग्राफ में फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं यही हमको देखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे आवर कि इतने आवर पे इतने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या इतने मिनट पे इतने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। सपोज दैट कि पहली बार हमने देखा कि 10 मिनट पे सिर्फ 1 कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, तो सिर्फ हम 1 ग्राफ को भरेंगे। आफ्टर 1 आवर या फिर आफ्टर 30 मिनट हमने फिर देखा कि 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, यहाँ पे हम टाइमिंग भी लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ हमने 8 AM पे देखा है तो यहाँ पे हम 8:30 कर सकते हैं, मान लीजिए 30 पे हमने देखा कि 10 मिनट पे कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो अभी कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्रिक्वेंसी है वो वही है, तो इसको फिर हम 1 ही फील कर देंगे क्योंकि 1 कॉन्ट्रैक्शन ही आ रहे हैं। सपोज दैट कि फिर 1 आवर बाद हमने फिर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखा 9:05:30, तो उस समय 10 मिनट में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन थे वो बढ़ के 3 कॉन्ट्रैक्शन हो गए, मतलब एवरी 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो इसके लिए हम 1, 2, 3 जो ये 3 ग्राफ हैं इसको भर देंगे, तो इससे ये हो जाएगा जो भी बर्थ अटेंडेंस होंगे वो जान जाएंगे कि 8 बजे जो कॉन्ट्रैक्शन का फ्रिक्वेंसी थी वो 10 मिनट में 1 कॉन्ट्रैक्शन था, 8:30 बजे 10 मिनट में 1 कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन 9:30 बजे एवरी 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन फीमेल को आ रहे थे। अब मान लीजिए 11 AM पे कॉन्ट्रैक्शन को मेजर किया तो 10 मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन था वो बढ़ के 5 हो गया, तो ये जो 5 ग्राफ आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे भर देंगे। यहाँ से देखिए ये 1 है तो 1 के लेबल पे भरा हमने,
टू है तो यहाँ पे टू के लेवल पे आप भरेंगे, थ्री है तो यहाँ पे हमने थ्री के लेवल पे भरा हुआ है, यहाँ थ्री के लेवल आ रहा है चूंकि 9:30 बजे जो कॉन्ट्रेक्शन था वो 10 मिनट पे थ्री कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है तो ये हमने थ्री भरा हुआ है। नेक्स्ट मान लीजिए 11 बजे जो कॉन्ट्रेक्शन है वो 10 मिनट में 5 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे 5 के लेवल पे फिल कर दिया है कि कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे 5 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे थे। अब मान लीजिए कि कंटिन्यू कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है तो इसको हम ऐसे ही फिल करते जाते हैं, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है तो जो ये डेंसिटी आप देख रहे हैं इसको बस हम बढ़ाते जाते हैं, अगर कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इसको हम ऐसे फिल करते हैं जिससे जो भी बर्थ अटेंडेंस है ये डॉक्टर है ये समझ जाते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्शन है उनकी जो ड्यूरेशन है और फ्रिक्वेंसी है वो कैसी है तो इन सब साइन के थ्रू वो इजली समझ जाते हैं। ऐसे ही हम फील करते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन का ग्राफ होता है पार्टोग्राफ में उसको। अब देखते हैं हम थर्ड कंपोनेंट जिसमें हम देखेंगे मदर की कंडीशन। अब हम देख रहे हैं थर्ड कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे मैटरनल कंडीशन। फर्स्ट कंपोनेंट में हमने पढ़ा फीटल कंडीशन में हमने पढ़ा फीटल हार्ट रेट, लिकर एमनी और मोल्डिंग। सेकंड हमने पढ़ा प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हमने पढ़ा सर्विक्स डायल्टेशन, डिसेंट ऑफ फीटल हेड एंड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। अब थर्ड कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशन में हम पढ़ेंगे मदर का पल्स, बीपी, टेम्परेचर और उसके साथ ही आईवी फ्लूड जो उसको दिया जा रहा है और साथ ही यूरिन एनालिसिस। ये इतने पॉइंट्स हम पढ़ेंगे मैटरनल कंडीशन में। तो अब देख लेते हैं कि इसको हम फील कैसे करते हैं। जैसे हमने इसके पहले आपको ग्राफ में बताया था उसी तरह से हम इसको भी फील करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पल्स। देखिए यहाँ पे जो पल्स है इसको हम इंडिकेट करते हैं पॉइंट से और जो बीपी है उसको हम ऐसे करते हैं, मतलब जो डायस्टोलिक है उसको नीचे लिखेंगे और जो सिस्टोलिक है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये सिस्टोलिक हो गया और ये डायस्टोलिक हो गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्राफ के साइड में यहाँ पे पॉइंट लिखा होता है, ये 60 से लेके 180 तक का इसमें रिकॉर्ड रहता है। 60 बिल्कुल लो लेवल है, यहाँ से शुरू होता है और 180 तक का इसमें ग्राफिकल रिकॉर्ड रहता है। इसको हम फील करते हैं। कैसे फील करते हैं? सपोज दैट अगर हमने फीमेल का पल्स लिया और उसकी जो पल्स है नॉर्मल पल्स जो उसके अगर मान लीजिए 70 बीट प्रति मिनट है तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 70 होगा, 80 होगा, 90, 20 ऐसे करके 180 तक ये ग्राफ रहता है। तो मान लीजिए हमने पल्स लिया 7 AM पे, हम स्टार्टिंग से ही 7 AM लेके चल रहे हैं चूँकि हमने माना हुआ है कि जो पेशेंट है उसका एडमिशन 7 बजे हुआ है तो उसी समय मान लीजिए हमने पल्स लिया हुआ है तो उस समय जो फीमेल थी उसका पल्स रीडिंग आ रही थी 70 ब्रीद प्रति मिनट। तो यहाँ पे हम ये साइन दे देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि 7 बजे जो पेशेंट थी उसका पल्स 70 बीट प्रति मिनट था। अब हमको देखना है बीपी। यहाँ पे देखिए बीपी को मैंने ऐसे बताया हुआ है कि ये डायस्टोलिक का साइन है और ऊपर ये सिस्टोलिक का है। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि 60 से लेके 80 तक का मेजरमेंट दिया हुआ है। अब हमने 7 बजे बीपी ली तो उस समय इसका जो डायस्टोलिक था वो 80 था तो जब यहाँ पे 60 यहाँ पे 70 तो यहाँ 80 होगा ही। तो मान लीजिए कि जो डायस्टोलिक प्रेशर था वो 80 था तो यहाँ पे हम साइन कर दे रहे हैं और मान लीजिए कि जो सिस्टोलिक था वो 130 था तो इसको हम 130 यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो 130 मान ले रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको साइन कर देंगे। इसके बाद इन दोनों लाइन को ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीपी। अब देखिए इजली यहाँ पे दो साइन हमको दिख रहे हैं और दोनों बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। पल्स वाला जो ये साइन है पॉइंट का ये इंडिकेट कर रहा है पल्स को और ये जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है बीपी को। बीपी में नीचे ये डायस्टोलिक है और ये सिस्टोलिक है। इससे आप जो भी हेल्थ अटेंडेंस होंगे या फिर डॉक्टर होंगे वो समझ जाएंगे कि जो पल्स है वो 7 बजे 70 बीट प्रति मिनट थी और जो बीपी था वो 80/130 mmHg था। तो इस तरह से जो पेशेंट होती है उसका हम बीपी एंड पल्स पार्टोग्राफ में लिखते हैं। उसके बाद ये आईवी फ्लूड, आईवी फ्लूड जो दिया जा रहा है मान लीजिए 7 बजे उसको, यहाँ पे हम टाइमिंग लिख देंगे, अगर मान लीजिए 7 बजे उसको ऑक्सीटोसिन 500 लगा था और उसके साथ अगर कोई मेडिकेशन दिया गया था जैसे मान लीजिए ऑक्सीटोसिस दिया गया है या फिर अर्गो डेरिवेटिव दिया गया जो भी है तो उसको हम यहाँ पर फील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 7 बजे जो भी उसका टेम्परेचर है मान लीजिए 98.8
8 है या फिर 99.2 है, जो भी टेम्परेचर है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। और नीचे जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें हम यूरिन एनालिसिस को फिल करते हैं। तो इसी तरह से जितना भी पार्टोग्राफ होता है उसको हम फिल करते हैं। पार्टोग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं और अधिकतर इससे फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आप पार्टोग्राफ को पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।